YouTube चैनल एलिशियस लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी लेजी हूँ और अभी मैं बनाने लगी हूँ। आज फरमाइश आई है फैमिली की के चौरस पराठे बनाए जाएं, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, चौरस पराठे बनाऊंगी, उसके बाद मैं ऑयल लगाऊंगी, शॉवर लूंगी और कुछ और भी एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी, हेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। ये चौरस पराठे मैंने आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बनाए हैं, बड़े क्रिस्पी से बने हैं, लुक एट दिस, बड़े मज़ेदार से। और ये जी हैं मेरे भाई का ब्रेकफास्ट। ये हमारा रात वाला सालन है और ये माश की दाल साथ कड़ी, जो कि कड़ी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ पकौड़े हैं। और ये थोड़ा सा अचार, साथ ही सैलड, जो कि मेरे ब्रेकफास्ट में लाजमी होता है। और ये है मेरी मीठी लस्सी। चलें जी, अब मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता, मिलते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ते में लस्सी पीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा दिया चाय का, कड़क चाय का। मेरे लिए कड़क चाय रेडी हो रही है। यही बात हो कि चाय की क्रेविंग हो रही है, और वो इंसान जो बहुत अच्छी चाय बनाता है वो चाय लेकर आपके सामने हाजिर हो जाए। लाइक मेरे जैसी लड़की जो है वो हर कुकिंग कर लेती है, सब चीज़ें बना लेती है, लेकिन चाय उसको किसी के हाथ की ही चाहिए होती है जो बहुत अच्छी और मेरे पसंद की चाय बनाए। और ये जी मेरा इंट्रो रेडी हो चुका है, मेरे भाई ने मुझे रेडी करके दिया है, बड़े मेहनत से, बहुत मेहनत लगती है इसमें नो डाउट। बहुत ही प्यारा सा, अमेजिंग सा ये मेरा इंट्रो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेरे हर व्लॉग से पहले लगा करेगा, और इसे मैं कंप्लीट नहीं दिखाऊंगी, ये कंप्लीट आप देखेंगे मेरे हर व्लॉग में। क्योंकि जी आज बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज अपने परिंदों को फ्रेश पानी और बाजरा डालूं। तो यहाँ पे मैं प्लेट को वॉश कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान भी जब खाना खाता है तो अपने लिए भी बर्तन वॉश्ड ही यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से ये प्लेट को धो रही हूँ। प्लेट हम अपनी इंसान अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने बर्तनों को अच्छे तरीके से धो के फिर खाना खाते हैं। परिंदों के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो फ्रिज से पानी लाई हूँ ताकि ठंडा ठंडा पानी मिले, रहेगा तो नहीं ठंडा इतनी धूप में, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ। जी वॉश हो गया हमारा अच्छे तरीके से, और अब इसमें मैं ये ठंडा पानी है बॉटल में फ्रिज से लेकर आई थी, मैं इसमें खान रही हूँ, ये पानी ऐड कर देंगे। पानी तो जितना ज़्यादा ऐड किया जाए उतना कम है। और ये साथ ही कुछ बाजरा है, बाजरा ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये जी बाजरा और पानी, मतलब ये प्लेट मैंने तैयार कर दी है। आज बहुत ज़्यादा धूप है, और वैसे मैं बहुत ज़्यादा रफ भी हूँ, खैर वट एवर, ये हम यहाँ पे रख देंगे ताकि इजीली हमारे परिंदे, अल्लाह ताला के परिंदे अपना खाना भी खा सकें और पानी पी सकें। ऐसे आप भी किया करें, अल्लाह ताला इस चीज़ का बहुत अजर देता है, बहुत स्वाद देता है, और घर में खैर बरकत रहती है। जी तो आई एम इन माई रूम राइट नाउ, और ये बेड मेरी छोटी सिस्टर का है, ये वाला बेड मेरा है, और पीछे ये मेरी पिक्चर्स हैं, और ये मेरी कुछ चीज़ें हैं, ये मेरा सारा सैलॉन है। ये बड़ा ही, मतलब मेरा मिनी सैलॉन, मतलब मेरी वैनिटी काफ़ी जो है मैसी हुई हुई, इसे हम सेट कर लेंगे, खैर वट एवर। मैं लगाने लगी थी ऑयल, ये मैं सरसों का सुल्तान ऑयल यूज़ करती हूँ, और ये कैस्टर ऑयल है, और साथ ये एवियन के दो कैप्सूल्स, क्योंकि हेयर मेरे शॉर्ट ही है, इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो ये दो कैप्सूल्स फिर इसमें मैं मिक्स करूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे, दो घंटे के बाद फिर हम शॉवर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। एंड हेयर इज़ न्यू एंट्री इन आवर होम एंड माई रूम ऑल्सो। ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट, और ये काफ़ी ह्यूज भी है, वीडियो में शायद सही से ना पता चल रहा हो, बट आई रियली लव इम। आज घर में चिकन शिमला मिर्च और आलू बन रहा था, और मेरा राइस खाने का दिल था, तो मैंने मास्टर बिरयानी से, और अपने रूम से बोर हो के मामा मेरे रूम में आके मूवी देखने लग गई हैं, ठीक है ना। इस एज में एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि आप लेट के सुकून से मूवी शूज़ देखें, आपको काम नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपकी बेटियाँ हैं वो करेंगी काम। तो जब भी ऑनलाइन शॉपिंग का या ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देना होता है ना, तो मुझे उसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो। एंड मास्टर बिरयानी का मेरा फेवरेट पुलाव आ चुका है, अब इसे करूँगी मैं इंजॉय। इसी के साथ मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।